आज इस वीडियो में हम अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क के फादर कौन है, या फिर आपसे कोई पूछ सकता है नेटवर्किंग के फादर कौन है, तो राइट आंसर होगा सी, रे नूरदा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर? नेटवर्क टोपोलॉजीज कितने टाइप की होती है? 1, 2, 3, 5। करेक्ट आंसर होगा डी, 5 टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है। कौन कौन सी होती है अगर आपको पता है वीडियो को रोक के कमेंट में फटाफट टाइप कीजिए, नहीं पता है चलिए रिवीजन करा देते हैं। बस, स्टार, रिंग, मेस, ट्री। रिंग टोपोलॉजी फॉर्म्स अ क्लोज्ड सर्किट। रिंग टोपोलॉजी एक क्लोज्ड सर्किट क्रिएट करती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर होगा ए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी और ये एक क्लोज्ड सर्किट क्रिएट करती है। व्हेन डेटा ट्रांसफर ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड? जब डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि आपने मैसेज भेज दिया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो इसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स। बस टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड? बस टोपोलॉजी जो होती है इसे और क्या कहते हैं? लाइन टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि आप बस टोपोलॉजी को लाइन टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी दोनों कह सकते हैं। लाइन टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सीधा वायर होता है, तो आप इसे लाइन टोपोलॉजी भी कह सकते हैं और इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। When more computers are connected at one place, जब एक से ज्यादा कंप्यूटर एक ही जगह पे कनेक्टेड हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे? तो करेक्ट आंसर होगा ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन, लैन से कनेक्टेड कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? ईमेल, गो ऑनलाइन, रन फास्टर, शेयर इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होगा डी, शेयर इंफॉर्मेशन। देखिए, लैन से कनेक्टेड कंप्यूटर जो होते हैं ये ईमेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, फास्टर रन भी करते हैं, लेकिन अगर एक एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो शेयर इंफॉर्मेशन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? इनमें से कौन सा एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? बस, रिंग, इंटरनेट, एप्पल टॉक। तो करेक्ट आंसर डी होगा, एप्पल टॉक। हाउ मेनी लेयर्स आर इन TCP/IP मॉडल? TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं? हमने आपको बताया था कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, तो राइट आंसर यहां पे होगा बी, 4 लेयर्स होते हैं TCP/IP मॉडल में। तो आपको ये भी याद रखना है। NFC stands for, NFC का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में? करेक्ट आंसर होगा बी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज? एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क सर्वर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नेटवर्क सर्वर। डैश टोपोलॉजी इज कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी। इनमें से किस टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी कहा जाता है? बस, रिंग, ट्री, हाइब्रिड। करेक्ट आंसर होगा सी, ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी कहते हैं। ये होता है ट्री टोपोलॉजी का डायग्राम। सबसे पहले एक कंप्यूटर है, इससे दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और इस दो कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी, और ट्री टोपोलॉजी को ही
हायरार्किकल टोपोलॉजी कहते हैं। फिच टोपोलॉजी यूज इन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? हाइब्रिड, बस, हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, बस हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, बैंक के एटीएम फैसिलिटी जो दिए जाते हैं ये किसके एग्जांपल हैं? लैन, वैन, मिक्स्ड नेटवर्किंग, मल्टीपर्पस नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर होगा बी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल होते हैं एटीएम, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में ही हमारा लैन, मैन, पैन ये सब आ जाता है। ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज जनरली कॉल्ड, नेटवर्क से कनेक्टेड हर कंप्यूटर या डिवाइस को जनरली क्या कहा जाता है? नोड, होस्ट, बोथ, नन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ द डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड आइडेंटिफाई अ कंट्री? डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड जिसे शॉर्ट में कहते हैं DNIC के कितने डिजिट किसी कंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं? तो राइट आंसर होगा ए, फर्स्ट 3 डिजिट। अब इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 3 डिजिट में से 1 टू आइडेंटिफाई या जोन, एक डिजिट क्या करता है, जोन को आइडेंटिफाई करता है। रेस्ट 2 डिजिट जो है ये जोन के अंदर कंट्री को आइडेंटिफाई करता है, तो आपको ये भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट रिक्वायर पावर टू फॉरवर्ड द सिग्नल्स, इनमें से किस डिवाइस को सिग्नल फॉरवर्ड करने के लिए पावर की नीड नहीं होती है? ब्रिज, एक्टिव हब, पैसिव हब, रिपीटर। करेक्ट आंसर होगा सी, पैसिव हब। व्हाट इज द सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कॉल्ड, कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने के सिस्टमैटिक डिजाइन को क्या कहते हैं? फायरवॉल, एंटीवायरस, नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो राइट आंसर होगा डी, नेटवर्क टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, इनमें से कौन सी केबल लाइट वेव्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट करती है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। व्हेन ऑल नोड्स आर कनेक्टेड अ कॉमन ट्रांसमिशन लाइन इट इज डैश टोपोलॉजी, जब सभी नोड्स एक कॉमन ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बस टोपोलॉजी। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, हर आईपी पैकेट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? ए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, बी, डेस्टिनेशन एड्रेस ओनली, सी, सोर्स एड्रेस ओनली, डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। वायरलेस नेटवर्क्स आर डैश टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, तो वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं इंस्टॉल और मेंटेन करने में कंपेयर टू केबल नेटवर्क। इन कंप्यूटर नेटवर्क द सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर नेटवर्क में सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर, राउटर, नन। तो करेक्ट आंसर होगा ए, सर्वर। W3C stands for in networking, कंप्यूटर नेटवर्किंग में W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी, वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्सम। WLAN stands for, WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी,
वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इंटरनेट इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का. क्यों? क्योंकि इसका रेंज फिक्स नहीं होता है. क्रिएशन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज. नेटवर्क के क्रिएशन को किस रूप में जाना जाता है? सर्वर, नेटवर्किंग, स्टैंड अलोन कंप्यूटर, नन ऑफ दी अबव. करेक्ट आंसर होगा बी, नेटवर्किंग. क्रिएशन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्किंग. वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी. ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दी अबव. करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू. वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी होता है. रेंज ऑफ वाईफाई. वाईफाई का रेंज कितना होता है? 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर. करेक्ट आंसर होगा डी, 50 मीटर, और यू कैन से लेस देन 50. ब्लूटूथ सिग्नल्स हैव अ रेंज ऑफ. ब्लूटूथ सिग्नल्स का रेंज कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, 10 मीटर. ब्लूटूथ यूजेस RF टेक्नोलॉजी. RF का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो क्या ब्लूटूथ RF टेक्नोलॉजी को यूज करता है? ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू. पैन कवर्स एरिया अप टू. पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क कितने एरिया को कवर करता है? 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 15 मीटर. तो करेक्ट आंसर होगा बी, 10 मीटर. यानी कि पैन जो होता है ये 10 मीटर एरिया को कवर करता है, या फिर आप कह सकते हैं 0 से 10 मीटर. लैन कवर्स एरिया अप टू. लोकल एरिया नेटवर्क कितने एरिया को कवर करता है? करेक्ट आंसर होगा सी, 150 मीटर. मैन स्टैंड्स फॉर, या फिर मैन कितने एरिया को कवर करता है? तो पहले हम स्टैंड्स फॉर बता देते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एरिया को कवर करता है 50 किलोमीटर, क्योंकि इसमें हम सिटी की बात करते हैं. वैन कवर्स एरिया अप टू. वाइड एरिया नेटवर्क ये कितने एरिया को कवर करता है? 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, या फिर नॉट फिक्स्ड. तो करेक्ट आंसर होगा डी, इसका रेंज जो होता है ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा स्टेट्स को कवर करते हैं और कंट्री टू कंट्री भी बात करते हैं. द डिवाइस विच रिपीट्स द सिग्नल ऑन ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट द इनकमिंग लाइन इज कॉल्ड. वो डिवाइस जो इनकमिंग लाइन को छोड़कर सभी लाइन पर सिग्नल को रिपीट करती है उसे क्या कहते हैं? हब, स्विच, मॉडम, राउटर. करेक्ट आंसर होगा ए, हब. इट रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड लिंक्स. ये नेटवर्क कंप्यूटर और लिंक के फिजिकल लेआउट को रेफर करता है. कौन? तो करेक्ट आंसर होगा टोपोलॉजी. टोपोलॉजी रेफर्स टू शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. टोपोलॉजी से मीनिंग है कंप्यूटर नेटवर्क को शेयर करना. ट्रू, फॉल्स, None of this. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर होगा ए, यस, ट्रू. एंडलेस कनेक्टिविटी इज पॉसिबल थ्रू डैश नेटवर्क. तो राइट आंसर होगा बी, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू एंडलेस कनेक्टिविटी पॉसिबल है. केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. केबल टेलीविजन इनमें से किसका एग्जाम्पल है? लैन, वैन, मैन, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर होगा सी, मैन.
मेनी पॉकेट डिवाइसेस कम विथ बिल्ट इन, कई पॉकेट डिवाइस बिल्ट इन वाईफाई के साथ आते हैं, तो करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, हाईएस्ट रिलायबिलिटी वाली टोपोलॉजी इनमें से कौन सी होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर मेस टोपोलॉजी, तो राइट आंसर होगा डी, मेस टोपोलॉजी। अब इसे हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है, तो मेस टोपोलॉजी में अगर आप इंफॉर्मेशन सभी को सेंड नहीं करना चाहते हैं, किसी एक को प्राइवेट मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसीलिए इसे हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल इज, केबल के लिए एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करने वाली डिवाइस है हब, स्विच, प्रॉक्सी सर्वर, गेटवे, तो करेक्ट आंसर होगा डी, गेटवे। इथरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, इथरनेट सिस्टम इनमें से किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, बस, स्टार, रिंग, नन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर होगा बस टेक्नोलॉजी का यूज करती है इथरनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट मैच, इनमें से आपको बताना है कौन सा मैच सही है, यानी कि आपको नेम दिया गया है और पोर्ट नंबर दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ए, डीएनएस और इसका पोर्ट नंबर 53 होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब आपके लिए होमवर्क है, एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है ये भी बताना है, टेलनेट का फुल फॉर्म पोर्ट नंबर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म पोर्ट नंबर बताना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचटीटीपी होता है और एचटीटीपीएस भी होता है, दोनों का पोर्ट नंबर अलग अलग होता है। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80 और आपको एचटीटीपीएस का बताना है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।